हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरी आज की रेसिपी है दही भड़ो की, जिसके लिए मैंने माश की दाल ली थी जो सारी रात के लिए मैंने भिगो दी है। इसके साथ हमें चाहिए 1/2 चम्मच नमक, बेकिंग पाउडर 1/2 चम्मच, रेड चिली पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा हमें चाहिए 1/2 चम्मच। इसको हम दाल को ब्रेड में डाल देंगे। ये माश की दाल मैंने छिलकों वाली ली है और इसके छिलके उतार दिए मैंने। ये जाएगा इसमें नमक, ये जाएगा बेकिंग पाउडर, ये जाएगा रेड चिली पाउडर, ये जाएगा जीरा। अब इसको ग्राइंड करेंगे थोड़ा सा पानी डाल के, ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है। ये देखिए ये पेस्ट बन के तैयार है। अब एक ही दिशा में इसको फेंटना है, जैसे ये मैं कर रही हूँ। जैसे आप करते जाएंगे ये फ्लफी हो जाएगा और आपके भड़े फ्लफी फ्लफी अच्छे बनेंगे। और ये हाथ का काम है, हाथ से करना है। चम्मच को पानी में डाल के डालते हैं। जितने आपको बड़े चाहिए छोटे चाहिए वो अपनी मर्जी से आप रख सकते हैं। ये देखिए बड़े हमारे बन रहे हैं, ये देखिए कितने फूले हैं। जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। और प्लीज जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स करके हमें जरूर बताया करें कि रेसिपी कैसी बनी। ये देखिए बड़े हमारे बन के रेडी हैं। ये देखिए ऊपर से खस्ता है, अंदर से ये कितने सॉफ्ट बने हैं। रेडी कर लिए। ये मेरे पास रेडीमेड गोलगप्पे हैं, जिसको इंडिया में पानीपुरी बोलते हैं और पाकिस्तान में गोलगप्पे बोलते हैं। ये भी मैं साथ बनाऊंगी। इसको ऐसे दबाते जाएं ऊपर से, खुद ही फूलते जाते हैं। ये रेडी है हमारे बनके। ये देखिए बड़े बनके हमारे रेडी है। अब मैं इसके अंदर बॉइल आलू डाल रही हूँ ताकि हमारी चाट बन जाएगी। अब ये जो मैंने सारा कुछ काटा था ये इसके अंदर, आपको जो पसंद है सब्जियों में वो आप डाल सकते हैं। इसके अंदर जाएंगे चने। ये मैंने व्हाइट चने रखे, ये क्या, और ये बूंदी है, ये सारी इसके अंदर गए। अब मैंने इसमें दही डाल दी है और इसमें डालेंगे हम चाट मसाला। में जाएगी ये ग्रीन चटनी। अब इन चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। बड़े की चाट हमारी बनके रेडी है। इसमें मैंने नमक,
और रेड चिली पाउडर नहीं डाला मैंने, डाला था वो जो ग्रीन चटनी आपको बताई थी उसमें सारा कुछ डाल दिया था। अगर आप ऊपर से डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, और इसमें योगर्ट अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज्यादा डाल सकते हैं। और इसके साथ जो मैंने ये गोलगप्पे बनाए थे ये भी रेडी हैं। इसमें मैंने पटाटो डाले हैं और केचप डाला, और ग्रीन चटनी से मैंने इनको भर दिया है। और ये है पानीपुरी का पानी, जिसमें है खट्टी इमली, और मैंने चाट मसाला डालकर इसको रेडी किया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।